पहला प्रश्न है, ऐसा कौन सा पुरुष है जिसके सामने सब स्त्री है, आप बता पाएंगे? दूसरा प्रश्न है, ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें प्रवेश करने का रास्ता एंट्री गेट है लेकिन बाहर निकलने का उसमें कोई रास्ता नहीं है? तीसरा प्रश्न है, ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके बहुत से रूप हैं, सुबह कुछ दूसरे मुंह की, दोपहर का मुंह दूसरा, शाम को कुछ दूसरे तरह का, ऐसी कौन सी स्त्री है? अगला प्रश्न है, चार नंबर का प्रश्न है, ऐसा कौन सा पुरुष है जो व्यभिचारिणी स्त्री का पति है? और अगला प्रश्न है पांचवें नंबर का, ऐसी कौन सी नदी है जो कभी आगे बहती है कभी पीछे बहती है? छठवें नंबर का प्रश्न है, ऐसा कौन सा घर है जो 24 तत्वों से बना है, 24 प्रकार का मटेरियल लगाए उसमें? और सातवां प्रश्न है, ऐसा कौन सा हंस है जिसकी कहानी विचित्र है? और आठवां प्रश्न ये है कि ऐसा कौन सा चक्र है जो सदियों से घूम रहा है आज तक रुका नहीं? ये आठ प्रश्न किए गए। तो दक्ष के 10,000 बेटा बोले, गुरुजी ये तो आठों प्रश्न कठिन है, हमसे समाधान नहीं होगा, आप ही बता दो। नारद जी ने कहा, हम बता तो देंगे लेकिन शर्त है तुम्हें हमारा चेला बनना पड़ेगा। और शिष्य का मतलब है जो फिर गुरु के अनुशासन में रहे। हम बिल्कुल तैयार हैं। तो देखिए, नारद जी इन प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, ऐसा कौन सा पुरुष है जिसके सामने सब स्त्री है, का एक परमात्मा ही पुरुष है और पूरी दुनिया अपने आप में स्त्री के रूप में है, सिर्फ पति है वो परमात्मा ही है और तो सब दिन पूरा संसार पूरी दुनिया स्त्री है। ताली मरी मराई बजी है, क्या बात है। एक बार मेड़ताज से मीराबाई वृंदावन पहली बार गई, धन्य है राजस्थान की धरती जिस धरती ने मीराबाई को जन्म दिया। उस मीरा की बात कर रहा हूं भगवान ने जिसे अपना कंठ दिया। वह मीरा जो विष के प्याले में गिरधर को नाचते हुए देखती है, धरती की बहुत बड़ी घटना घट गई। वह मीरा जो भगवान के विग्रह में समाहित हो गई, वृंदावन गई। उस समय वृंदावन में एक बहुत बड़े तपस्वी महात्मा, बंगाली महात्मा रहते थे, उनका नाम था सनातन गोस्वामी। उनसे मिलने के लिए मीरा गई। तो मीरा ने कुटिया के दरवाजे पर गुरुजी के अनुयायियों को पूछा और कहा, गुरुदेव से मिलना है और हम राजस्थान से आए हैं, दर्शन उनका हो जाए। चेले ने जाकर के गुरुजी से कहा, तो गुरुजी ने कहा कि बोल दो आजकल हम अनुष्ठान में बैठे हैं, स्त्रियों से बात नहीं करते। सूचना मीरा को मिली, मीरा ने कहा हो धोखा हो गया, मैं तो यह सोच रही थी कि पूरी धरती पर एक ही पुरुष है कृष्ण, लेकिन वृंदावन में दूसरा पुरुष कहां से चल के आ गया। मीरा ने कहा था सिर्फ सिर्फ ईश्वर ही एक पुरुष है, सब स्त्री। तो पहले प्रश्न का जवाब, ऐसा कौन सा पुरुष है जिसके सामने सब स्त्री है, परमात्मा ही पुरुष है और सब स्त्री है। फिर कहा, ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें प्रवेश करने का रास्ता है लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं है? नारद जी जवाब देते हैं कि एक ऐसा गृहस्थ आश्रम की ही ऐसी गुफा है जिसमें प्रवेश करने के लिए तो रास्ता है लेकिन बाहर निकलने को कहीं रास्ता दिखता नहीं है। सब छटपटा रहे हैं। तब तो मोर रख करके दूला से उला इतने खुश हो रहे थे जब सेरा बांधा गया था सिर पर, याद कर लो 25-30 साल 35-40 साल पुरानी बात। उस समय तो दूला से उला बड़ा खुश हो रहे थे, उस समय दूल्हा बने हैं जी, दूल्हा बने हैं। अब पूछो बेने, कहते महाराज जी गलती कर गए, कमंडल लेके चले जाते हरिद्वार तो ज्यादा ठीक होता। बिल्कुल फुन फुना रहे हैं, प्रवेश कर गए हैं गृहस्थाश्रम में, अब निकलने को मौका मिल नहीं रहा है। ऐसा ही गृहस्थ आश्रम है जिसमें प्रवेश का रास्ता है लेकिन बाहर निकलने का रास्ता निकलता नहीं। यह तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि अंधा व्यक्ति एक 84 मीटर की दीवाल के परकोटे के अंदर घुस गया। एक ही गेट था उसका बस निकलने का, अंधा आदमी था, दिखता था नहीं, दीवाल पकड़ पकड़ करके जाता है और जैसे ही गेट के पास तक पहुंचता है, पृथ्वी सिंह जी, जैसे ही वो गेट के पास तक पहुंचता है और उसमें एक ही दरवाजा है, जैसे ही नजदीक पहुंचा सोई बगल में खुजली पड़ती है, हाथ उठाता है दीवार से खुजाने के लिए, इतने में वो दरवाजा चूक जाता है, आगे निकल जाता है, दरवाजा चूक जाता है, बाहर निकल नहीं पाता। 84 लाख योनियों में जीव ऐसे ही भटक रहा है,
मुक्ति का समय आता है, मनुष्य शरीर मिलता है, भोगों की ऐसी खुजली पड़ती है, मुक्ति के दरवाजे को चूक जाता है, वहीं चक्कर लगा रहा है, घुस गया है, बाहर निकलने का रास्ता कहीं से मिलता नहीं। पांडाल बड़ा अच्छा भरा हुआ परिसर अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मोती चिन चिन के रख दिए गए हैं। एक बार श्रोताओं के लिए बहुत बहुत आदर मेरी व्यासपीठ से, मैं तो कथा में आनंद ले रहा था, मैं तो देख ही नहीं पाया कि आपने पांडाल को चार चांद लगा दिए, पीछे तक लबालब बिल्कुल छलकता हुआ दिखाई दे रहा है। कृष्ण जन्म का आज महा उत्सव होगा, अपनी अपनी चैनों को संभाल करके रखना। कल मैंने बोला है कोई चैन कट गई तो ना अनाउंस करूंगा और ना आपको अनाउंस करने दूंगा, इसलिए यदि पहन के भी आए तो बगल में देख लो कौन सी सहेली बैठी है, यदि चैन बैन कटे तो इसी की मुंडी पकड़ लेना के बोल कहाँ है चैन, देख लो बगल में कौन है, बोलो भांगे बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो अगला प्रश्न कौन सा है सुनिए, तीसरा प्रश्न है, ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके बहुत से रूप हैं, का बुद्धि ही वो स्त्री है जो अनेक अनेक रूप वाली है, बड़े बड़े रूप बनाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी स्त्री का पति है, का मन ही वो पुरुष है जो बुद्धि का पति है। पांचवा प्रश्न, ऐसी कौन सी नदी है जो कभी आगे बहती है कभी पीछे बहती है, जवाब दिया माया ही वो नदी है, विश्व को जन्म देती है तो आगे बहती है, विश्व का प्रलय करती है तो पीछे से बहना शुरू कर देती है, तो माया ही वो नदी है। पहले तो ये बताओ मेरी लैंग्वेज मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है, राजस्थान का मैंने भी पानी बचपन से ही पिया है तो समझ में तो आना ही चाहिए। बिल्कुल, जो किताबें आपने अपने कोर्स में पढ़ी हैं मैंने भी वही राजस्थान की बुक पढ़ी है, तो भाषा तो कोई ऐसी कठिन नहीं होगी जो समझ में ना आ पावे। और जयपुर में तो रहने वाले लोग भी प्योर मारवाड़ी बोलते ही कहाँ हैं, यहाँ तो सब जगह के लोग हैं, यूपी के यहाँ हैं, बिहार के यहाँ हैं, गुजराती यहाँ हैं, बेंगलोर के वो कर्नाटका के यहाँ हैं, आसाम के यहाँ हैं, सब जगह का आदमी मिलता है। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा घर है जो 24 तत्वों से बना है, 24 प्रकार का मटेरियल लगा है। मानव शरीर ही वो घर है जिसमें 24 प्रकार का मटेरियल लगा, गिनती आप कर ले, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, 10 इंद्रियां होती हैं, चतुष्टय अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, कितना हो गया, ब्याज का पैसा हाल गिन ले तो ये नहीं गिन पाओगे, कितना हो गया, 10 और 4 14 चौदह हो गया। पांच तन्मात्राएं धरती आकाश जल अग्नि और वायु, कितना हो गया, 19 हो गया, बड़ा जल्दी हो गया। और पांच तन्मात्राएं रूप रस शब्द स्पर्श और गंध, 19 5 24, इन 24 तत्वों के द्वारा ये मनुष्य शरीर बनाए। बड़ी सुंदर बात कही है, मानव शरीर संसार की भोग विलासता के लिए नहीं है, ये मनुष्य शरीर अच्छे कामों के लिए है, बढ़िया काम करता उसके लिए। यहां प्रदेश में आप अच्छा काम कर देते हैं तो राष्ट्र आपको पुरस्कृत करता है, और मृत्युलोक में आप अच्छा काम करके जाते हैं तो देवता आपको पुरस्कृत करते हैं। देवता कभी कभी ये मनुष्य ही जाकर के इंद्र बन जाता है, इसमें गुंजाइश है इंद्र बनने तक की। हम और आप इस धरा पर अच्छा काम करके जाएं, किसी का शोषण न करें, किसी का लहू नहीं पिए। लोग गुरुजनों के कहने से लहसुन प्याज का परहेज कर लेते हैं लेकिन गरीबों का रक्त चूसने से परहेज नहीं लेते, उनके ऊपर रहम कीजिए, अच्छे काम कीजिए। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न, ऐसी कौन सी विचित्र कहानी है जो हंस की तरह, हंस की विशेषता है यह दूध को पानी को अलग अलग कर देता है, हंस के सामने दूध पानी दोनों मिलाकर के रख दें वो दूध दूध पी लेगा पानी अलग कर देगा, और कोई बता नहीं सकता कि इस जल में कहीं दूध मिलाया भी हो, यह उसकी विशेषता है। जैसे हंस दूध पानी दोनों को मिला दो तो सिर्फ दूध ही पीता है,
अपना जीवन हंस की तरह बना लीजिए। संसार भी दूध रूपे सदगुण और जल के दुर्गुण से भरा हुआ है। जैसे हंस दूध ही पीता है, उसी प्रकार से आप भी सदगुणों को ही स्वीकार कीजिए, दुर्गुणों को पड़े रहने दीजिए। हंस जैसी कहानी किसकी विचित्र है का, वो शास्त्र ही हंस की तरह है। जो शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे वो पापों के दुर्गुणों को छोड़ते हुए दूध के सदगुणों को स्वीकार कर लेंगे। ऐसे जो शास्त्र हैं, पुराण हैं, ग्रंथ हैं, इनकी ही कथा हंस की तरह है। आठवां प्रश्न बड़ा अद्भुत है। अष्टम प्रश्न क्या है? आठवां प्रश्न तो यह है कि ऐसा कौन सा चक्र है जो बराबर सदियों से घूम रहा है, आज तक रुका नहीं। कहा समय का वो चक्र है जो कभी किसी का इंतजार नहीं करता, वो सदियों से बराबर घूमता हुआ आ रहा है। धरती का कोई कितना भी अमीर व्यक्ति हो, एक सेकंड खरीद के नहीं बता सकता समय। ईश्वर ने सब लोगों को समय दिया है, इस समय को हाथ से मत निकालने दीजिएगा। धीमे धीमे उम्र चली गई है, अब शेष टाइम बचा है। दूसरे शब्द में समय को काल कहते हैं, काल सबको खा जाएगा। इसलिए अपने समय से ही सब काम हम और आप कर लें तो ही ज्यादा बढ़िया है। ये आठ प्रश्नों का बड़ा अद्भुत समाधान किया।